हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रिवॉल्यूशन ओएस फॉर द रेडमी नोट 8। सो गाइस, मैंने अपने रेडमी नोट 8 में इंस्टॉल किया है रिवॉल्यूशन ओएस। तो मैं यहां पर आपको सेटिंग में जाके दिखा दूं, माय डिवाइस में जाएंगे तो यहां पर गाइस आप देख सकते हैं MIUI वर्जन 11.2, रिवॉल्यूशन ओएस 20.2.26। यहाँ पर ऑल स्पेक्स में जाते हैं, ऑल स्पेक्स में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी का आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन स्टिल 9.0 आपको देखने को मिलता है इस MIUI रोम में। सो गाइस, देखते हैं कैसा रोम है, क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए, कैसी परफॉर्मेंस है, सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब। लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जियो वोल्टी से। तो यहाँ पर दो सिम में एक वोडा और जियो, जियो से हम डायल करेंगे तो यहाँ पर 1*98 हो गया, 198 पे करते हैं। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वीडियो कॉल एंड कॉल रिकॉर्डिंग इस रॉम में, यहाँ पर आपको डायलर में। और ये गाइस आपका कुछ लॉन्चर देखने को मिल जाता है, लॉन्चर यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मोर में जाएंगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन में रेगुलर या फिर विद ऐप ड्रॉअर, दोनों में से जो चाहिए वो कर सकते हैं। माइनस ऑफ वन स्क्रीन में गूगल या फिर जेट्स ऐप, वो टाइम वॉल्ट या फिर सॉरी गाइस यहाँ पर ऐप वॉल्ट जो भी चाहिए आपको कर सकते हैं। ऐप ड्रॉअर में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ग्लोबल सर्च में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन लेआउट 5x6, 4x6 वो भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चेंज कर दिया। ये देख सकते हैं आपका गूगल का फीड आ रहा है और ये आपका लॉन्चर है, ये देख सकते हैं क्विक स्टेप लॉन्चर आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं कैमरा के मामले में, तो ये है कैमरा ऐप MIUI कैमरा, सभी चीजें अच्छे से वर्क करती हैं, माइक्रो वाइड एंगल्स एवरीथिंग इज परफेक्ट गाइस इन दिस रॉम। कोई इशू नहीं लगा कैमरे में, कोई बग वग नहीं लगे मुझे, बिल्कुल अच्छे से वर्क करता हुआ, कोई भी इशू नहीं है। और जी कैम जो है वो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर पाएंगे, ये है हाइपर कैम गाइस, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ इस हाइपर कैम में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से वर्क करी, कोई इशू नहीं लगा मुझे, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोनों का परफॉर्मेंस। कैमरा में बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर आपने देखा लॉन्चर वगैरह और जो देखा अपने कैमरा वगैरह, सभी चीज़ें जो अच्छे से वर्क करती हैं। और जियो वोल्टी वो यहाँ पर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अंदर सेटिंग में, क्या क्या कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स मिल जाते हैं आपको वहाँ हम देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में देख सकते हैं बिल्कुल MIUI की तरह आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो कि MIUI में ऑप्शन मिलते हैं वो सभी मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा फैंसी स्टफ़ वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी स्टेटस जो कि आपका गूगल प्रोटेक्टेड है, वाईफाई ब्लूटूथ अच्छे से वर्क करता है, कास्टिंग वर्क नहीं करता है। लॉक स्क्रीन में देख लेते हैं गाइस, रेस टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ वेक, तो वो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। बट अभी ऐप वर्ल्ड सॉरी गाइस यहाँ पर ऐप ड्रॉअर इनेबल है, इस वजह से वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर टैप फिंगरप्रिंट स्कैनर टू वेक व्हेन फिंगरप्रिंट नॉट रजिस्टर, तो वॉलपेपर कॉर्सेल, लॉक स्क्रीन इन्फॉर्मेशन, लॉक स्क्रीन फॉर्मेट, वो सभी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉन्च कैमरा बाय शॉर्टकट वो ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में आपको डार्क मोड वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर सिस्टम फॉन्ट नॉच सेटिंग वगैरह आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस सेवल लो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक हेडफोन एंड ऑडियो इफेक्ट वो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। और नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन चाहिए वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन में आ जाते हैं, जो कि होम स्क्रीन का मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर वो भी इनेबल कर देते हैं। वॉलपेपर्स, यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉलपेपर्स अगर आपको चाहिए लाइव वॉलपेपर्स तो वो भी यहाँ पर आप इंस्टॉल कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। थीमिंग वगैरह, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी यहाँ पर मैं दिखा दूँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर ओके। सो गाइज आप देख सकते हैं एक टच में लॉक हो रहा है, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, वो आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट मैंने दिखा दिया, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस, बैटरी में अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड मिल जाता है, बैटरी सेविंग। यहाँ पर बैटरी के स्टैट्स में दिखा दूँ आपको गाइस, सबसे पहले स्क्रीन में जाएंगे तो देख सकते हैं 5 आवर्स मैंने यूज़ किया है और अभी भी 47% बैटरी लेफ्ट है। सो गाइस बैटरी लाइफ इज़ अमेजिंग इन दिस रॉम, कोई इशू नहीं है बैटरी लाइफ को लेकर। देख सकते हैं गाइस 5 घंटे यूज़ किया, 47 आवर्स बैटरी जो अभी भी लेफ्ट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं लगी मुझे बैटरी में। बैटरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है इस रॉम में। और गाइस यहाँ पर हम आ जाते हैं एडिशनल सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में दिखा देते हैं तो ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक क्विक बॉल, नोटिफिकेशन लाइट, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पर ये सभी 100 पॉइंट वगैरह ये सभी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रीन टाइम वगैरह मिल जाता है, डिजिटल वेलबिंग की तरह ही है। स्पेशल फीचर में गेमिंग टर्बो, क्विक रिप्लाई, सेकंड स्पेस, न्यू आई लैब, वो सभी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस। और अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस में गाइस कोई इशू नहीं लगा, काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। बैंकिंग ऐप्स वगैरह आप चाहें तो वो भी यहाँ पर ईजिली यूज़ कर पाएंगे, लाइक गूगल पे, एक्सिस बैंक वगैरह, जो भी आपको ऐप्स चाहिए वो यहाँ पर आसानी से ऐप का यूज़ कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगी वहाँ पर। पबजी देख लेते हैं क्या पबजी HD में चलता है, यहाँ पर गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस अभी भी यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता HD का, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट की वाली बात है। यहाँ पर आपको HD का ऑप्शन नहीं मिलता, हाई फ्रेम रेट खेल पाएंगे अगर आप स्मूथ में खेलते हैं, बैलेंस में खेलते हैं तो मीडियम का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं ना देखूँ पबजी को अगर हटा दिया जाए तो रॉम काफ़ी अच्छा लगा गाइस, काफ़ी फ्लूइड रॉम है, कोई इशू नहीं है, सभी चीज़ें अच्छे से वर्क करती है, लाइक कैमरा वगैरह, जी कैम वगैरह सभी अच्छे से परफेक्टली वर्क करी, काफ़ी परफेक्ट रॉम लगा मुझे इस रेडमी नोट 8 के लिए। और मैं देखता हूँ कौन सा नया रॉम आया है, मैं उसे ट्राई करूँगा फ्लैश करके, फिर मैं उसका रिव्यू लाऊँगा गाइस। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।